थाना जावर का जो ग्राम फलकना है वहाँ पर 3 ट्रक जो मवेशियों से भरा हुआ था उस पर ग्रामीणों को कुछ सूचना मिली तो उस ट्रक को रोका गया था। इस पर रोकने पर पाया कि वहाँ पर उस ट्रक में मवेशी भरे हुए थे अव्यवस्थित तरीके से। इसी दौरान उस ट्रक के जो ड्राइवर थे वो ट्रक को छोड़ के भाग चुके थे। मौके पर तत्काल थाना जावर की टीम, थाना कोतवाली, थाना मोगट की टीम पहुंची थी और जो गांव जो ग्रामीण जन थे उनसे संवाद किया गया और मवेशियों और ट्रक को सफलतापूर्वक थाने में ले जाया गया। अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवंश के तहत और जो पशु क्रूरता जो अधिनियम उसके तहत अपराध पंजीकृत किया जाएगा और इस मामले में पूरी तरीके से जांच की जा रही है। कुल 3 ट्रक 3 ट्रक अभी जो हमारे संज्ञान में आए हैं अभी उसकी जानकारी प्राप्त हुई। अगर अन्य कोई ट्रक होंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर कोई सांप्रदायिक स्थिति बनी थी या कुछ? नहीं, ऐसी कोई सांप्रदायिक स्थिति नहीं बनी थी। पूरा माहौल शांतिपूर्ण है और जो आम जन थे जो ग्रामीण जन थे उन्होंने भी पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग किया। यहाँ हमने देखा कि ट्राले में बैल भर के जा रहा है, गाय भर के जा रही, गोवंश जा रहा है तो हमने रोकने की कोशिश करी। ये लोग रुक नहीं रहे थे। गांव में आके जब ट्रैफिक जाम हुआ तब पता चला कि इसमें ढोर बैल भरे हैं, गाय भरी है। उसके हमने वीडियो वगैरह बना लिया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद हमने उनसे जब जानना चाहा बोले हम तो राजस्थान से ला रहे हैं और हमारे पास बिल्टी है। बिल्टी जब देखी तो यहाँ पास के गांव की थी जो कि मुश्किल से 100-200 घर की बस्ती है और जो कि आटा ट्राले में इतने सारे गोधन थे तो इतने किसी की हैसियत ही नहीं है खरीदने की, जो कि इस बहाने इस तरह से यहाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गोतरस्तरी होती है और जो हमारे आसपास के गांव हैं इन गांवों के तस्कर इनसे मिले हुए हैं। जबकि ये बाहर की अगर गाड़ी थी और इनको हमने अगर रोका तो इन गांव वालों का आके हमारे साथ झगड़ा करने का क्या काम है? इसलिए हमें पता चलता है कि इन गांव वालों से मिली भगत के ही वजह से जो पास के गांव जो है कौन सा गांव है इनसे मिली बढ़िया और मुंदवाड़ा और डोंगरी। दिन भर में कितने ट्रक निकलते हैं? ये दिन भर में लगभग आज की तारीख के बता रहा हूँ मैं, आज 8 ट्रक निकले जिसमें ये 3 हमारे पास यहाँ पकड़ में आए, एक उधर पहले पकड़ में आ गया और 5-8 पहले जा चुके हैं, टोटल 11 गए हैं। तो इस तरह से जो तस्करी होती है राजस्थान से आके महाराष्ट्र माल चले जाता है इसमें पुलिस थानों की मिलीभगत होती है, इसलिए ये इतना आसान होता है निकालना। हमको कहीं से सूचना मिली, पुलिस की ही मदद से हमने पकड़ा है, हमने अपना सेपरेट नहीं पकड़ा। जावर थाना लगता है क्या वो लोग? ये जावर थाना से हमको डाउट हुआ कि जावर थाने की शायद मिलीभगत हो गई, लीपापोती हो गई, इसलिए हमने यहाँ से जानवरों को नहीं छोड़ा और हमने इसीलिए गांव वालों ने इतना ऑब्जेक्शन लिया और हमने यहाँ गांव में सब जानवर रोके। क्या नाम है? मेरा नाम रजत लाड़ है, मैं ग्राम पलकना रहता हूँ। यहाँ 3 ट्रक गोवंश भर के जा रहे थे उसमें से सियारा के एक राजपूत अंकल और हमने ट्रक को रोका और उनसे ड्राइवरों से हमने जानकारी ली कहाँ से गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी की पार्किंग राजस्थान से, बोले हम राजस्थान से लेके आ रहे थे। कुछ पास के गाँव वालों ने सहयोग किया और ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर लोग सब भग गए और गाड़ी की हमने जब्ती करवा ली।